बल्ल अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज बातों का वक्त तो है नहीं तो हम चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें तीन स्टेप है हमने मैरिनेशन और चिकन की ग्रेवी तैयार करनी है तो मैं इसको मेरीनेट कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैंने वन के के करीब मैंने चिकन ली है मैंने थोड़े बड़े पीस लेने हैं आप लोगों ने भी छोटे छोटे नाले अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं छोटे भी ले सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी तो मैंने सोचा कि ना ईद के हवाले से मैं आप लोगों को फिर जल्दी ही दे दूँ तो इसका पानी निकाल लेना है चिकन का मैंने तीन मीडियम साइज़ के प्याज़ को फ्राई कर लिया था मैंने दो को जो है मैरिनेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं और एक जो है वो मिलियरिंग के लिए यूज़ करूँगी तो अभी हमारा स्टेप वन जो है वो चल रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है वन टेबल स्पून ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक एक करके तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैंने टू टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट लिया है आप चॉप की हुई भी, भी ले सकते हैं और मैंने वन हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू तो योर टेस्ट भी ले सकते हैं और मैंने लिया है एक कप योगर्ट दही बिल्कुल मैंने इसको फेंट दिया है क्रीमी चाहिए हमें बिल्कुल भी लम्स वाला नहीं चाहिए क्योंकि हम अगर इसमें जितना पानी को बचा सकते हैं हमें उसको बचाना है और पानी जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला जो है वो ऐड करा है ये मैंने होम मेड है तो मैंने सबसे पहले ही बनाने के लिए आप देख लें मैंने धनिया लिया है साबुत धनिया एक चमचा एक बड़ी इलायची एक दालचीनी छोटी सी टुकड़ा और लौंग और काली मिर्च ली है एक जायफल जो है मैं आधा यूज़ करूँगी मैंने आप लोग को दिखाने के लिए रख लिया था जाय जावित्री है ये मैंने एक टुकड़ा लिया है और मैंने स्टार एनीस लिए हैं मतलब ये बादन के फूल हैं और मैंने दो लिए हैं पाँच से छः हरी इलायची है छोटी वाली और दो जो हैं वो बे लीव्स हैं तेज़पात के पत्ते हैं एक जो है ये एक टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया इन सबको पाउडर बना के मैंने कर लिया है अब आप देख सकते हैं पाउडर के अंदर मैं एक चमचा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और मैंने टी थ्री हाँ थ्री टेबल स्पून मैंने लिया है चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर और तीन से चार मैंने आलू बुखारे लिए हैं और साबुत गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेलीज डाल देंगे हम इसके अंदर सॉरी हरी इलायची डालेंगे हम इसके अंदर पहले और जो आप यकीन जानिए बाज़ार से मसाला लेते हैं ये वही होता है जो पैकेट वाले हम बिरयानी बनाते हैं सब ज़्यादातर पैकेट वाले ही यूज़ करते हैं ये वाली बिरयानी के लिए लेकिन यकीन जानिए आप लोग ये वाला यूज़ करेंगे तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं लगेगा होम मेड मसालों से बनाएँ और मैंने इसके अंदर बे लीव्स भी डाल दिए थे तो ये तैयार है मैंने थ्री टेबल स्पून लिया है तो ये बिरयानी सॉरी मेरीनेशन के लिए हम इसको ऐड करेंगे जो हम बाज़ार से लेते हैं पैकेट्स वाले ये वही होता है आप लोग घर में भी बनाएं बहुत इजी है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है बेलीस भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करना है कि तमाम मसाला जो है वो बोटियों के साथ चिपक जाए आ, क्योंकि हमने पानी तो ऐड किया नहीं है ना ना चिकन जो है वो हमने पानी वाली ली है उसमें से अब सारा पानी जो है वो मैंने रिलीज़ कर लिया है तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से ये मैरिनेट हो गई है तमाम मसाला एडजस्ट कर हो गया है इसके साथ और मैं इसको रख दूँगी थर्टी के थर्टी मिनट्स के लिए और कवर करके मैंने प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है आप किसी से भी चीज़ से कवर कर दें तो चिकन है जल्दी हो जाएगी आप लोग ये सब प्रोसेस बीफ में भी कर सकते हैं मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है एक पैन लिया है इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल हाफ कप और ये मेरे दो लार्ज टमाटोज़ हैं टमाटर ये मैंने चॉप कर लिए थे डाइस में आप लोग कैसे भी कर लें लेकिन हमें इतने ही चाहिए इस चीज़ से ग्रेवी बनानी है हमें तो मैं इसको इतना टू मिनट्स के लिए करूँगी कि ये सॉफ़्ट हो जाए और आ, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाए इतना हमें करना है सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे उसे मैंने हाफ हाफ़ एन आवर के लिए रख दिया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ये देख सकते हैं मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा रही हूँ मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था और ज़रूरी नहीं आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं मैंने बाहर ही रखा था रूम टेम्परेचर पर तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन इसी तरह मैं इसके अंदर सारे पीसेस ऐड कर दूंगी अच्छे से सारा मसाला जो है वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है तो मैंने इसके अंदर आलू बुखारे तीन से चार और ऐड कर दिए क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो मैंने थोड़े से और ऐड कर दिए थे बिरयानी मसाला अगर आप चाहें तो ग्रॉसरी स्टोर से भी ले सकते हैं जो पैकेट वाला होता है लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं होता है आलू बुखारे लेकिन मैंने जो आप लोगों को मसाला बताया है ये बल्कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा इसके अंदर तो आप लोगों की चॉइस के ऊपर है हम इसको अच्छे से भूनेंगे एक से दो मिनट के लिए ताकि इसको हमें ज़्यादा ना छेड़ना नहीं है क्योंकि चिकन पे से जो मसाला है वो हट जाएगा और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना तो इसको मैंने दो से तीन मिनट चलाया है और मैं इसको कवर करके रख दूँगी अब हमें इसको कवर करके पकाना है बीस से पच्चीस मिनट के लिए लीजिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये तैयार है ये बिल्कुल परफेक्ट है इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए और ज़्यादा आप इसको ड्राई नहीं कीजिएगा वरना ये बहुत कम हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी राइस के साथ तो अब ये देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे अगर पानी है तो भून भी ले सकते हैं आप और पानी खुश कर लें अब मैं सॉल्ट चेक करूँगी इस पॉइंट पे अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं अगर मिर्ची कम लगे तो आप चिली फ्लेक्स डालिएगा मिर्ची पाउडर बिल्कुल नहीं डालिएगा वरना कच्ची मिर्चों की आएगी तो स्टेप वन जो है वो डन हो गया अब हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ हमें सबसे सब पहले राइस जो है वो अपने भिगो देने हैं चावल ये मैंने लॉन्ग ग्रेन वाला लिया है ब्राउन राइस बासमती बिल्कुल भी नहीं लिया जैसे मैंने आपने मेरी पुलाव की रेसिपी देखी होगी उसके अंदर मैंने बासमती राइस लिए हैं लेकिन ये सेला है हम लोग आमतौर पर इसको सेला कहते हैं लेकिन कुछ लोग ब्राउन राइस और लॉन्ग ग्रेन राइस भी कहते हैं तो मैं इसको दो घंटे के लिए रख दूंगी ये ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं आप चाहें तो बासमती में भी बना सकते हैं बासमती हो तो आप लोगों को आधे घंटे के लिए इसको सॉव करके रखना है तो अब वो दो घंटे हो चुके हैं अब इसके अंदर कढ़ाई के अंदर टू से थ्री टेबल स्पून ऑइल डाल दूँगी दो पोर्ट्स जो हैं वो मैं स्टार नीस के डाल दूँगी और मैं इसके अंदर डालूँगी अब पानी जितना हमें बॉइलिंग के लिए चाहिए आप लोगों को ज़्यादा ही पानी ऐड करना है इसमें कोई हिसाब नहीं कि इतने प्याले चावल हैं तो हमें इतने पानी डालना है और ये कुछ नहीं है क्योंकि हमें यह आधे में ही इसको स्ट्रेन कर लेना है राइस को तो लीजिए मैंने इसके अंदर डाल दिए तीन से चार हरी मिर्च डाल देनी है मैंने इसके अंदर कट लगा लिया था आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और विनीगर भी आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं थ्री टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है आपके सामने आप चाहें तो विनीगर भी डाल सकते हैं इससे ये है कि चावल और खिला खिला बनता है मैंने ऐड नहीं किया था चावल मैंने ऑलरेडी लंबे वाले थे लेकिन वो खिलते खिले के लिए अच्छे लगते हैं तो इसलिए आप डाल दें या तो फिर अगर विनेगर नहीं है तो लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं ये एटी परसेंट डन हो गए हमें इतने ही पकाने थे इसको और इतना आप लोगों को पकाना है अब हम वाटर जो है इसका निकाल लेंगे अब मैंने एक कढ़ाई जो मैंने ली है इसके अंदर मैंने ग्रीस करने कर लिया है ऑयल से ऑयल लगा दिया ताकि हमारे राइस जो है वो स्टिक ना हो पहले हम राइस की लेयर लगाएँगे थोड़े से हम राइस डालेंगे ये स्टेप थ्री हमारा चल रहा है अच्छे से आप लोग राइस की लेयर लगा दें तो पहले मैंने ऑयल लगाया था और मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए हैं अब अच्छे से हमने इसको फैला दिया और जो ग्रेवी हमारी पक रही थी ये देख सकते हैं आप लोग चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गई है तो मैं इसको अब डाल दूँगी देख सकते हैं आप लोग इसी तरह हमें सारी डाल देनी है सारी नहीं डालनी क्योंकि हमें लेयर लगाना है तो ये लेमन जूस है फ्राइड अनियन जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने एक जो है वो उसके लिए यूज़ करनी थी लेयरिंग के लिए तो जी हाँ ये वही है और ये मैंने मिंट लीव जो है पुदीने के पत्ते लिए हैं जितनी आप ग्रीनरी वाले ऐड करेंगे मसाला वो उतनी ही अच्छी हमारी बिरयानी तैयार होगी मैंने धनिया डाल दिया था और ये जो लेमन के स्लाइसिस हैं ये मैं ऐड कर दूँगी इसके ऊपर इससे बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आएगा कड़वापन नहीं आएगा बल्कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मैंने अदरक भी अब हम दूध के अंदर मैंने डाला है फूड कलर ऑरेंज वाला और मैंने डाला है बिरयानी एसेंस तो अब हम इसको ऊपर डाल देंगे और सेम प्याज फ्राई वाला और धनिया पुदीना अदरक ये डाल के हमने जूलन कटिंग में काटी थी अदरक अदरक दस से 15 मिनट हम इसको दम देंगे जी ये 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सॉरी मैं आपको बताना भूल गई ये हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा इस पॉइंट पे जब हमने दम दिया था तो ऊपर से थोड़ा सा टू से थ्री टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है मैंने मुझसे वीडियो मिस हो गई थी आ, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया फिर आप लोग बाद में मत भूलिएगा सूखे सूखे राइस बने तो ये देख सकते हैं आप लोग कितने मज़े की बन, बिरयानी बनी है चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा किला किला है आप लोग स्पून ज़्यादा चलाते ना तो इस वजह से वो टूट जाते हैं तो लीजिए हम इसको सर्व कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी धुएँदार बिरानी तैयार हुई है और आप लोग सोच रहे हैं कि बस जल्दी से कल और हम इसको ट्राई करें मुझसे बहुत मुझे बहुत बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बिरयानी की रेसिपी दूँ तो लीजिए अब दे दिए आप देखती हूँ कि कौन कौन इसको ट्राई करता है मुझे फीडबैक दें मेरी इंस्टाग्राम आई डी फॉलो करें मुझे और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी तो ये देख सकते हैं आप और बस मुंह में पानी आ रहा है ना आप लोगों के तो मैं इसके अंदर स्लाइस अनियन डाल दूंगी इसके साथ सर्व करें तो बहुत अच्छी लगती है थोड़ी सी फ्राइड अनियन डाल दूँगी और मैं इसके अंदर एग की स्लाइस डाल रही हूँ बॉयल्ड एग के आप नहीं डालिएगा तो अगर आपको पसंद है तो डाल दें वरना ये नहीं डालते हैं ऑप्शनल है तो ये देख सकते हैं आप मैं इसको ट्राई कर रही हूँ ये बहुत मज़े की बनी है और बिल्कुल अच्छे से राइस जो है वो पक गए हैं टेंडर हो गई है चिकन भी तो ये मैं रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप मिंट रायते के साथ और कितना क्रीमी रायता है और हम इसको खा के दिखाएंगे आप लोगों को बस ये एक दफ़ा आपने खा ली ना तो आप रोज़ बनाने का दिल करेगा आप लोगों का इसको तो जी ये देख सकते हैं ये बहुत मजे की बनी है आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी रेसिपी तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़